हर साल होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हमेशा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। सुरक्षा इंतजामों पर सरकार की भी खास नजर रहती है, लेकिन इस बार की यात्रा में सिर्फ आपको पुरुष सुरक्षा कर्मी ही नहीं बल्कि अब आपको अमरनाथ यात्रा पे महिला कमांडो भी दिखेंगी। जी हाँ, यात्रा में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ ने महिला कमांडो को तैनात किया है। अब बाबा के भक्तों को सुरक्षा देने के लिए यात्रा में आपको सीआरपीएफ की महिला कमांडो दिखेंगी, जो हाथों में बंदूकों और पीली नजर के साथ एक्शन मोड पर नजर आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ की महिला कमांडो की तैनाती कर दी गई है। ये कमांडो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए महिला कमांडो को तैनात किया गया है। इसके लिए इन कमांडो को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। देश भर से भोले बाबा के लाखों भक्त अमरनाथ यात्रा में पहुंचते हैं। लाखों भक्तों को सुरक्षा देने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस महिला पहले से यात्रा के आसपास के इलाकों में भारी तैनाती करती है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधियां बाबा की यात्रा के आसपास ना हो सके। और अब ये जिम्मेदारी महिला कमांडो के हाथों में भी होगी। 12,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा बर्फानी की गुफा के आसपास नापाक गतिविधियों की कोशिश की गई है, जिस पर रोकथाम के लिए यहाँ की सुरक्षा को हमेशा पुख्ता रखा जाता है, जिससे कि बाबा के दर्शन करने वाले यात्री भी सुरक्षा रहे। आपको बता दें, यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां साथ मिलकर प्लान तैयार करती है। यात्रियों के रूट पर स्पेशल स्नाइपर तैनात किए जाते हैं। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस साल की यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीमों को भी तैनात किया है, जो यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए हर तरीके से तैयार करते हैं। यात्रा से पहले ही सुरक्षा एजेंसियां मॉक ड्रिल के जरिए खुद को तैयार कर लेती है, जिससे किसी भी यात्री की स्थिति गंभीर पैदा होती है तो वो उसे सुरक्षा दे सके। आपको बता दें, पिछले साल 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इस साल अब तक 2 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। पहलगाम और बालटाल में से रोजाना हजारों की संख्या में भक्तों का जत्था रवाना किया जाता है। ऐसे ही बढ़ते यात्रियों की भीड़ के लिए सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। वहीं सीआरपीएफ को सुरक्षा के साथ 5वां जत्था भी रवाना किया गया है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी गई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज़ स्टे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।